अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलें जी, आज हम आपको दिखाएंगे फेस पैक जो आप मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने स्किन पे, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखें, आपने एक ऐसा जार ले लेना है या जैसे भी बॉल आपके पास हो, इसमें 1 टेबल स्पून आपने योगर्ट डालना है और ये हल्दी डालनी है आपने इतनी, 1/2 टेबल स्पून। और हम लेंगे अब शहद, जितनी हमने हल्दी ली उतना ही हमें शहद लेना है। और अगर आपको नेक के लिए लगाना हो, नेक के लिए बनाना हो, तो आप ये सारी चीज़ें डबल डबल ले लें। तो चलिए मिक्स करते हैं इसे। देखें, मैंने फेस पैक लगा लिया है, अब मैं इसको 10-15 मिनट्स के लिए लगा रहने दूंगी, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी जी। तो ये देखें, मैंने 10-15 मिनट्स लगा के उसको धो लिया ठंडे पानी से। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद फेस ड्राई करने के बाद आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर कर लेना है फेस पे अच्छी तरह। इसको ड्राई करते हैं और फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। अब मेकअप स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये सीरम है, ये देखें, 1-1 स्किन बूस्टर एक्वा सीरप। आपके पास कोई भी सीरप हो, गोल्ड वाइटनिंग सीरप या किसी भी तरीके का सीरप, आपने वो ले लेना है और ऐसे करके ड्रॉप मेकअप से पहले थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप लेके, और आपने इसको हल्के से टैप 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 टैप, ज़्यादा नहीं मसलना है, बस हल्के हल्के से। देखें, मेरे तो काफ़ी एक्नी है और उसके निशान भी बहुत है, मेरे एक्नी स्पॉट्स। तो चलें इसको ड्राई करने देते हैं पहले, फिर हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो अब मेरा सीरम जो है वो ड्राई हो गया, अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन हुदा ब्यूटी का। मैं हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, ट्रेस लैचीज 320G। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे आपने थोड़ा सा ले लेना है अपनी स्किन के हिसाब से, आप लोग कितना लगाते कितना नहीं, मैं इतना नहीं लगाती, थोड़ा सा लेंगे। और हम थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा रॉस वाटर करके, आप अपने हाथ से सही लगे, आपको ब्रश से सही लगे, जिस तरीके से आपको सही लगे आप इसको। चलिए इसको लगाते हैं फाउंडेशन को अच्छी तरीके से। चलिए तो मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने अपना फाउंडेशन सेट कर लिया। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी, उससे पहले आपने प्राइमर लगाने, पोर प्राइमर, यहाँ नाक की तरफ, यहाँ इस तरफ जहाँ पे आपके ज़्यादा ब्लैकहेड और पोर्स खुले हुए होते हैं, यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने जो है फाउंडेशन लगाना है। मैंने नहीं लगाया, मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं लूँगी मर्फी की पैलेट, आई शेडो पैलेट, ये देखें ये वाली, ये देखें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। मैं डार्क मेकअप करूँगी, लाइट करना हो आपकी चॉइस है। तो चलें जी, मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड। देखें तो पहले मैंने ये ग्रीन शेड लिया था, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक, उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर है, अब वाला शेड लूँगी। अच्छी तरह मेल्ट करें, ब्लेंड करें, सॉरी। चलिए जी, मैं वाला लेती हूँ ब्लू पिंक वाला, ले लेते हैं हाथ से। आपको हाथ से लगे, हाथ से ब्लश से लगे, ब्लश से मुझे हाथ से लगे, तो मैं हाथ से करूँ। तो सेट करते हैं इसे, ब्रश से करना चाहें आप ब्रश से कर लें, हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें। मैं फिर से वापस से थोड़ा सा ब्रश से जो है ब्लैक लेके, ब्लैक ग्लिटर वाला साइडों पे थोड़ा सा, ये तो ये देखिए वाली आईज पे ज़्यादा मेरा ब्लैक है, तो उसको अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं और ये वाली आईज पे लगाते हैं थोड़ा सा, उसको ब्लेंड करते हैं। लेकिन दोनों सेम हो गए। मेकअप लगा लेते हैं कंसीलर। मैं कंसीलर यूज़ करूँगी टार्ट का, ये मेरे पास जो है सारे ट्रैवलिंग साइज वाले हैं। मेरे पास एक और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी ये यूज़ करते हैं, ये देखें ऐसे यूज़ कर लेंगे। मेरे पास ये छोटा सा आइज के लिए,
तो ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह। ये देखें ब्लेंड ब्लेंड, ये आपको पीछे दिख रहे होंगे मेरे बच्चे, वो अपना खेल लिया। ये देखें ब्लेंड अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। जो मैं आपसे कंसीलर की बात करी तो वो ये है बीबी प्लस सीसी कंसीलर। ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है, ये पहले मुझे मिलने रहता है, अभी मैंने ढूंढा है। तो ये देखिए इससे भी बहुत अच्छा जो है प्रोफेशनल चला जाएगा। जो प्रोफेशनल होंगे मैं तो फॉरन लगा देते होंगे। मैंने आई लाइनर लगा लिया है, आई लैश कलर करते हैं। आई कलर जो अच्छी तरह आपने होल्ड करें थोड़ी सी देर के लिए। देखें ये देखें खुद कम करके थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर ऐसे आई लैश। मेरी आई लैश जो है बिल्कुल भी घनी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की है। कोई भी आपके पास जो मस्कारा अवेलेबल हो वो मस्कारा अच्छी तरह आपने जो है यूज़ करना है। और ये जो आप मेरी नोज़ के यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम जो बीच गए थे उसकी वजह से बहुत बुरा जो है सनबर्न हो गया था। तो जी देखिए मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली, लेकिन मैं इसमें डेमी मैट वाली जो है वो थोड़ी सी ऐड करूंगी ऐसे करके साइड पे। ये देखे ये तो ब्लशन लगाते हैं मेरे पास ही रस्सी तो ब्लशन ये। नोज पे हल्का हल्का से दैट्स इट। मेरे पास है पैसिफिका का हाइलाइटर, वो लगाएंगे थोड़ा सा। आपको ब्रश से लगाना हो, ब्रश से मैं मुझे बिल्कुल हल्का सा लगाना है, तो मैं फिंगर से जो है ऐसा देखें। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा नोज पे की खुशबू इतनी जबरदस्त है। अब हमने करना है इसके ऊपर स्प्रे, मैक का फिक्स स्प्रे। चलें जी तो ये करते हैं, निकालते हैं शेक शेक शेक। और ये आपने दूर से इसमें, मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं कंटूर भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही जो है मैं अपना मेकअप ऐसे ही करती हूँ। बाकी जो लोग जिस ऐसे इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इस तरीके से मेकअप करती हूँ, तो मैंने आपको इसी तरीके से दिखाया है। तो चलें इस पर करते हैं हम मैक फिट इस पर दूर से। इसको ड्राई करते हैं। ये तो देखें फिक्स हो गया है। मैंने सोचा मैं आपको थोड़े से छुमके छुमके पहन के दिखा देती हूँ। चलिए जी तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।